हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 29 अप्रैल करंट वीडियो को, तो फटाफट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और जो नीचे आपको जो है रेड बटन दिखाई दे रहा है वहाँ से सब्सक्राइब और बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, किसी वीडियो का मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं हमारे 766 नवंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, दिल्ली गवर्नमेंट इज़ इम्पोर्टिंग 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट फ्रॉम विच कंट्री। जो दिल्ली सरकार है वो किस देश से जो 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट है वो आयात कर रही है, यानी खरीद रही है, तो कहाँ से? तो वह फ्रांस से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो सरकार है वो 21 रेडी टू यूज़ जो ऑक्सीजन यंत्र है वो फ्रांस से आयात कर रही है। टोटल है वो कितने कर रही है? 44। 21 के अलावा जो होंगे वो जो है रेडी टू यूज़ नहीं है, उनको तैयार करना होगा। 27 अप्रैल को जो है एक कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है ये घोषणा की थी सीएम अरविंद केजरीवाल ने। इन रेडी टू यूज़ आयातित ऑक्सीजन प्लांट होंगे उनको विभिन्न अस्पतालों में तुरंत स्थापित कर दिया जाएगा, समय नहीं लगेगा। इससे क्या है, उन अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन का संकट है वो दूर होगा। रिवीजन करते हैं लास्ट डे की क्वेश्चन के साथ। पहला रिवीजन के में है, भारत में पीएम केयर फंड का उपयोग करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे भारत के अंदर पीएम केयर फंड के द्वारा? तो वह 551 का। भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए जो तरल ऑक्सीजन है उसका उपयोग किस तारीख से जो प्रतिबंध कर दिया? 25 अप्रैल से। मिजोरम के जंगलों में एक विनाशकारी आग बुझाने के लिए जो भारतीय वायुसेना है उनके दो किन हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया? तो वो किया गया MI-17 और V-5 को। एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? तो वह एंथोनी हॉपकिंग्स ने। किस फिल्म ने 93 अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फीचर के लिए ऑस्कर जीता है? तो वह नोमैड लैंड ने। किस राष्ट्र ने भारत के लिए COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए कच्चे माल पर जो निर्यात प्रतिबंध था उसको हटा लिया? तो वह USA ने, यानी अमरीका ने। जस्टिस राजेश बिंदल हैज़ बीन बी अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक जो मुख्य है जो न्यायाधीश है वो नियुक्त किया गया? तो किस न्यायाधीश कहाँ किया गया? तो वो किया गया रामनाथ गोविंद ने क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए उनको जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया। अभी वे मुख्य न्यायाधीश थोत्ताथिल भास्कर नायर कृष्ण राधाकृष्ण के बाद ये पदभार ग्रहण करेंगे। 29 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं वो, और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल उस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जिन्होंने इससे पूर्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के तौर पर क्या है अपना काम किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू प्रोवाइड 1 मिलियन टैप वाटर कनेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख जो जल नल कनेक्शन है उन देने की योजना बनाई है? तो किस सरकार ने बनाई है? वो बनाई है गुजरात गवर्नमेंट ने। गुजरात गवर्नमेंट ने 27 अप्रैल को ये घोषणा की है कि इस वित्तीय वर्ष में अर्थात यानी 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत वो गुजरात राज्य में 10 लाख नल के जो है कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। इस दौरान राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक गुजरात में हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। यह जल जीवन मिशन भारत सरकार की प्रमुख योजना है जिसके तहत वर्ष 2024 तक हर एक गांव में प्रत्येक घर के अंदर जो है नल का जो है कनेक्शन उपलब्ध होगा। हाउ मच हैज ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिड्यूस इंडिया GDP ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2021? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP विकास दर को कितना कम कर दिया है? तो कितना है हुआ है 10.2 कर दिया है। राइट आंसर क्या है? 10.2 कर दिया है उसको। पहली थी 11.8, उससे घटाकर 10.2 कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के बढ़ते स्वास्थ्य बोझ को लेकर एक ठोस सरकारी नीति की कमी है, और उन्हें भारत के वर्ष 2021 के सकल घरेलू उत्पाद में क्या वृद्धि की पूर्वानुमान प्रतिशत को भी कम करने के लिए क्या प्रेरित करती है? ऑन विच डेट इज द लास्ट फेज ऑफ द वेस्ट बंगाल इलेक्शन शेड्यूल टू हेल्ड? जो है वेस्ट बंगाल उसके अंदर अंतिम
चरण का जो चुनाव है वो किस तारीख को होना है, किस तारीख को होगा, तो वह 29 अप्रैल को। और इस अंतिम चरण के तहत वेस्ट बंगाल के अंदर 35 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। इन चुनावों को नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल में इन विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और वेस्ट बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच है। देखते हैं आज का सवाल क्या, आज का सवाल आपके लिए जिसको आपको राइट आंसर देना है कमेंट के द्वारा, और जो सही आंसर देने वाले विजेता रहेंगे उनके नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जो है चर्चा में देखा गया है ये क्वेश्चन आपके लिए। विच स्टेट हैज़ ए टेरिबल फॉरेस्ट फायर, किस राज्य में हाल ही में भयानक जंगल की आग लगी हुई है, तो किस राज्य में लगी हुई है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो सही आंसर देने दें और साथ में जो है वहाँ के राज्य का वर्तमान सीएम का भी नाम बताएं। विच कंट्री प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान जो सुपर कंप्यूटर है उसके निर्माण की योजना किस राष्ट्र ने बनाई है, तो वो बनाई ब्रिटेन ने। राइट आंसर क्या होगा, ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ने इसकी जो है योजना बनाई है। मौसम विज्ञान कार्यालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जो है मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यूनाइटेड किंगडम में भी अक्सर मौसम में काफ़ी तीव्र बदलाव देखने को मिलते हैं जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, और मौसम में इस तीव्र बदलाव के कारण लोगों का जीवन कई बार अस्त व्यस्त भी हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच प्लेयर इज विन द 12वां बैरकोला ओपन टाइटल ऑफ हिज कैरियर एट द बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट। बार्सिलोना जो ओपन क्ले कोर्ट है उसमें किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है, तो किसने, तो वह रोजर फ्रेडर ने। राइट आंसर क्या है, रोजर फ्रेडर। राफेल नडाल ने 68वें बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट में फाइनल में, सॉरी रोजर फ्रेडर ने उसके अंदर किया। आंसर क्या होगा, राफेल नडाल ने जो है 68वें बार्सिलोना ओपन बेनेको सेबाडेल टूर्नामेंट में फाइनल में स्टेफानोस को 6-4, 6-7, 7-5 से हराया। क्ले कोर्ट में इस जीत के साथ राफेल नडाल ने अपने कैरियर का 12वां जो है बार्सिलोना ओपन खिताब और 2021 का अपना पहला खिताब जीता है। यह मैच 3 घंटे 38 मिनट तक चला। ATP का 2021 का सबसे लंबा मैच बना है। मैंने इस टूर्नामेंट में कभी इस तरह का फाइनल नहीं देखा, उन्होंने कहा। यह मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है और यह महत्वपूर्ण जीत थी, नडाल ने ये कहा। मोटिवेशन लाइन कि उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखे जिसे खुद की गलतियां कभी नजर ना आती हो। आप खासकर उस इंसान से क्या दूरी बनाए जो खुद की गलतियों को जो है नज़र नहीं लाता, अपनी गलती है वो नज़र में नहीं लाता, ऐसे इंसान से दूरी बना के रखें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ए 3-डे मैन्यूवर इन द अरेबियन सिया, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में जो है अरब सागर के अंदर 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की, तो वह है भारत और फ्रांस ने। और सही आंसर दिए उनमें नाम है शिमू लोधी, जैन शर्मा, सरुण कुमार, सोनम सिंह, रोहित कश्यप, मनोज कुमार, नारायण ग्रासिया, बादल राठौड़ और सरिता जी। आप सभी को हर जाते बधाई और शुभकामना। उम्मीद करें वीडियो पसंद आए, वीडियो फटाफट लाइक और फटाफट शेयर कर देंगे। नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देंगे ताकि हम आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।